नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। पर हापुड़ में 4 साल की मासूम के साथ में दरिंदगी के मामले में जनता में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, तो वही नन्ही मासूम इस समय जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हापुड़ में सैकड़ों लोगों ने मिलकर मासूम बच्चे के लिए कैंडल जलाकर उसके जल्द ठीक होने की दुआ मांगी है। कैंडल मार्च में शामिल महिलाओं ने वारदात को अंजाम देने वाले दोषी का अंग काटने की सजा देने की बात कही, जिससे कि वह तमाम जिंदगी इस तरह के कुकर्म को ना कर सके। साथ ही लोगों ने इलाज की देरी करने वाली डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि बच्चे की हालत आज उसी लापरवाह डॉक्टर के कारण खराब है, जिसने घंटों मासूम को इलाज नहीं दिया। लोगों ने हापुड़ तहसील चौराहे से कैंडल मार्च निकालकर नन्ही मासूम के लिए दुआएं मांगी और लापरवाह डॉक्टर और वारदात को अंजाम देने वाले हैवान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये कैंडल मार्च 5 वर्ष की बच्ची के लिए निकाला जा रहा है, जिसके साथ कल इतना बड़ा दुराचार किया गया। उस 5 साल की बच्ची के साथ इतनी हैवानियत दिखाई गई कि शायद मतलब इंसानियत शर्मसार है उस चीज के लिए। और सबसे बड़ा दोषी इसमें वो दरिंदा तो है ही जिसने उस बच्ची के साथ गलत काम किया, जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं जिन्होंने उस बच्ची को प्राथमिक उपचार नहीं दिया, वो सबसे बड़े दोषी हैं। हमारी संस्था की सबसे बड़ी मांग ये है कि अगर वो डॉक्टर उस बच्ची का प्राथमिक उपचार कर देते तो शायद उस बच्ची की स्थिति इतनी ज्यादा खराब न होती और आज उसकी स्थिति में सुधार होता।